तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो और आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापिस। और आज की वीडियो में मैं कोई पबजी टेस्ट नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में पांच ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि 2022 के अंदर काफी ज्यादा तगड़े स्मार्टफोन रहे हैं और भाई जो कि मेरे भी फेवरेट रहे हैं और जो मेरे को रिश्तेदारों ने दोस्तों वगैरह ने पूछे हैं ना, तो उनको मैंने वही फोन स्मार्टफोन रेकमेंड करे हैं। सबसे पहले भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो 2020 है ना उसके अंदर लॉकडाउन वगैरह भी लगा था और चिप शॉर्टेज वगैरह भी हो गई थी, तो उसकी वजह से जो स्मार्टफोन है ना बजट वाले जैसे कि 10,000 वाले 12,000 वाले स्मार्टफोन ज्यादा लॉन्च नहीं हुए और जो प्राइस था ना फोन का वो थोड़ा सा हाई पहुंच गया था। और इस वाली वीडियो के अंदर ना भाई मैं आपको 30,000 रुपए के अंदर वाले सारे स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि मैंने खुद रेकमेंड भी करे अपने दोस्तों वगैरह को लेने के लिए। तो भाई जो आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, काफी ज्यादा मजा आएगा आप सभी को देखने के लिए। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो जरूर से आप इस वाली वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब मारो भाई, 3 लाख सब्सक्राइबर करवा दो फटाफट से। बाकी अभी बिल्कुल भी टाइम हम बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई जो सबसे पहला स्मार्टफोन हमारे पास है ना वो अंडर 15,000 रुपए रहने वाला और ये वाला स्मार्टफोन है IQ Z6 44 वॉट। और भाई ये वाला स्मार्टफोन मैंने उन बंदों को रेकमेंड करा है जिन्होंने मेरे से पूछा कि भाई मेरे को फैमिली के लिए फोन चाहिए, मम्मी या पापा को देना है। तो मम्मी पापा का जो यूज होता है ना मेनली वो होता है कभी वो मूवीज वगैरह देखेंगे, उनकी बैटरी वगैरह अच्छी चलनी चाहिए और फोन बजट के अंदर होना चाहिए और भाई थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल यूज के अंदर लैग वगैरह नहीं होना चाहिए। तो स्नैपड्रैगन 680 वाला प्रोसेसर हमको इसके अंदर देखने को मिलता है, लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। गेमिंग के लिए उतना ज्यादा तगड़ा नहीं है, स्मूथ प्लस हाई की ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिलती है BGMI के अंदर सिर्फ। लेकिन भाई जो ओवरऑल स्मार्टफोन है ना वो काफी ज्यादा अच्छा मेरे को लगा और पहले नंबर पे मैं इसी को रखने वाला हूं। और भाई जो दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन है ना वो होने वाला है Poco X4 Pro, क्योंकि भाई जो अपना Poco X3 Pro आया था ना 2021 के अंदर वो काफी सारे बंदे को डेड हुआ था, तो मेरे को ना Poco X4 Pro काफी सारे बंदे को पास देखने को मिला था क्योंकि भाई वो एक्सचेंज कर करके सीधा फोन, चिप शॉर्टेज वगैरह चल रही थी तो सीधा फोन एक्सचेंज कर रहे थे और Poco X4 Pro दे रहे थे। तो वाला स्मार्टफोन भी काफी ज्यादा सही मेरे को लगा, उसके अंदर भी एक 120Hz का AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। जो PUBG की ग्राफिक सेटिंग्स है वो स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे यहां पे गेम को चला देता है। और भाई जो फोन का प्राइस रहने वाला ना वो 19,000 रुपए रहता था, तो 20,000 की कैटेगरी में ये वाला स्मार्टफोन मेरे को काफी ज्यादा सही लगा है। और बाकी भाई जो अपना फोर्थ नंबर पे मैं स्मार्टफोन रखने वाला ना उसके ऊपर दो स्मार्टफोन रहने वाले हैं क्योंकि भाई 1,000 रुपए का दोनों के अंदर डिफरेंस था और मैंने ये दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा रेकमेंड करे हैं बाकी लोगों को भी। एक तो होने वाला है IQ Z6 Pro और दूसरा है Redmi K50i। जो IQ Z6 Pro है ना ये हमको 23,000 रुपए का देखने को मिलता है, इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर हमको देखने को मिलता है। जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी इस वाले स्मार्टफोन की काफी ज्यादा बढ़िया मेरे को देखने को मिली थी और भाई स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे यहाँ पे गेमिंग सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो कैमराज वगैरह है फोन के वो भी काफी ज्यादा तगड़े हैं। फोन के अंदर जो बैटरी है 4700mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, चार्ज भी काफी ज्यादा जल्दी हो जाता था, तो उस मामले में ना मेरे को IQ वाला काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन भाई काफी बंदों ने मेरे को बोला था कि मेनली हमारा पर्पस गेमिंग है, हमको डिस्प्ले वगैरह में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तो उसके हिसाब से ना मैंने 1,000 रुपए महंगा करके K50i उन बंदों को बताया था। 24,000 रुपए इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस है। Dimensity 8100 प्रोसेसर हमको देखने को मिलता है। जो PUBG के अंदर ग्राफिक सेटिंग्स है ना वो काफी ज्यादा कमाल की थी, इसके अंदर स्मूथ प्लस 90fps पे भाई गेमिंग परफॉर्मेंस दे देता था। साथ में जो बैटरी है वो भी यहां पे बड़ी आपको देखने को मिलती है, 5080mAh की बैटरी है। लेकिन भाई इसके अंदर एक IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है ना वो 144Hz का था। तो भाई ये वाला स्मार्टफोन भी मेरा पर्सनल भी फेवरेट रहा है क्योंकि भाई 90fps की गेमिंग वगैरह और मैं गेमर हूं तो ज्यादातर गेमिंग करता हूं, तो उस वजह से K50i यहां पे मेरी तरफ से ज्यादा रेकमेंडेड रहा है लोगों को। लेकिन भाई जो लोग बोलते थे कि हमको डिस्प्ले वगैरह बढ़िया चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं IQ Z6 Pro उनको रेकमेंड कर देता था क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है लेकिन 90Hz का है, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा बहुत काम चला लेते थे, गेमिंग वगैरह अच्छी हो जाती है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी, कैमरास वगैरह भी इसके अच्छे हैं K50i के मुकाबले में। तो ओवरऑल जो तगड़ा स्मार्टफोन है ना ये IQ Z6 Pro भी मेरे को देखने को मिला है और भाई इन दोनों स्मार्टफोन को मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर पे रखा हुआ है। बाकी भाई बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे मैंने दो स्मार्टफोन रखे हुए हैं। सबसे पहले तो Realme 9 Pro Plus है क्योंकि वो पहले लॉन्च हुआ था और भाई उसके जैसा सिमिलर स्मार्टफोन ना Narzo 50 भी था, लेकिन भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस था उसके अंदर, कैमराज वगैरह में OIS वगैरह नहीं था और साथ के साथ जो बॉडी वगैरह थी वो उसके अंदर Realme 9 Pro Plus में ग्लास बैक देखने को मिलता था लेकिन Narzo में प्लास्टिक बैक था। बाकी जो फोन था ना ओवरऑल काफी पूरा का पूरा ही मतलब एज इट इज सिमिलर था, लेकिन जो Realme 9 Pro Plus है वो एक काफी ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन रहा है। उसके अंदर Dimensity 920 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता था, अभी तो मेरे पास नहीं भाई, मैंने सेल कर दिया है वो, लेकिन मैंने टेस्ट करा हुआ, ऊपर मैं आपको उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह भी दिखा दूंगा। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे यहाँ पे गेम को चला देता था स्मार्टफोन हमारा। 27,000 रुपए उसका प्राइस था, लेकिन सस्ता हो गया ना, बंदों ने उसको 20-22 हज़ार रुपए का भी खरीदा, लेकिन सस्ता होने के बाद की बात नहीं कर रहा क्योंकि भाई ऑफर के बाद तो iPhone 13 भी 50,000 रुपए में मिला था, लेकिन मैं फुल प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ क्योंकि भाई 27,000 रुपए का मिलता था तो
डोजेस आप सभी काफी सही स्मार्टफोन है। एक स्मार्टफोन और है भाई, पोको F4। ये वाला स्मार्टफोन था तो काफी तगड़ा, इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर हमको देखने को मिलता था, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग, BGMI के अंदर 5000 mAh की बैटरी वगैरह। लेकिन भाई जो iQOO Neo 6 है ना, वो इस वाले स्मार्टफोन को पूरा पूरा खा गया, क्योंकि भाई ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, मेरी फर्स्ट पिक रहने वाला है और अंडर 30,000 रुपए ये वाला स्मार्टफोन काफी तगड़ा रहने वाला है। और फिफ्थ नंबर पर मैंने इसी को रखा हुआ है, मतलब है तो पहले नंबर पर ही, लेकिन फिफ्थ नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं इसको। तो इसके अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर हमको देखने को मिलता था, स्मूथ प्लस 90 FPS की गेमिंग यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन पहले स्मूथ प्लस एक्सट्रीम था, अपडेट वगैरह के थ्रू यहाँ पे 90 FPS अनलॉक करके दे दिया था। काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, जो कैमरास वगैरह हैं, जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है, जो परफॉर्मेंस है, तो मतलब ये ना एक ओवरऑल सबसे तगड़ा स्मार्टफोन मेरे को लगा है अंडर 30,000 रुपए। और ये वाला स्मार्टफोन मैंने बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करा है, जो भी मेरे पास बंदा आता था ना, भाई अंडर 30,000 रुपए मेरे को स्मार्टफोन लेना है, गेमिंग अच्छी चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, तो भाई सब कुछ यहाँ पे iQOO Neo 6 के अंदर मेरे को देखने को मिलता है तगड़ा। लेकिन भाई अभी क्या है कि अपडेट वगैरह आया ना इसके अंदर, तो उसके अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस वगैरह इसकी खराब कर दी है। लेकिन भाई अभी इसको लेने का मत सोचना, क्योंकि इसका ना न्यू वेरिएंट भी आ चुका है iQOO Neo 7, और भाई अभी जैसे ही मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा फटाफट से, और आपको पता भी चल जाएगा, और आप लेटेस्ट के साथ जाओ मैं तो बोलूंगा। लेकिन आज के टाइम में भी काफी तगड़ा स्मार्टफोन है भाई ये। तो यही टॉप 5 स्मार्टफोन थे जो कि मैंने 2022 के अंदर अपने फ्रेंड्स को या फिर फ्रेंड्स की फैमिली वगैरह को, अपने फैमिली मेंबर को दिलाने थे, तो यही फोन मैंने सबसे ज्यादा रेकमेंड करे हैं। और अभी आप कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो भी मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, और आपका कौन सा फेवरेट स्मार्टफोन है वो भी जरूर से बताना। 30,000 के ऊपर वाली कैटेगरी आपको पता है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वैरायटी और भी हमको देखने को मिल जाती है। फिर iQOO ने ना पूरी कैटेगरी खेली हुई, iQOO 90 देखने को मिलता है, iQOO 9, iQOO 9 SE वगैरह, और फिर iPhone 11, iPhone 13 वगैरह, क्योंकि जैसे ही फोन महंगे हो जाते हैं तो कैमरास वगैरह और गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह सब बढ़िया हो जाती है। तो ये वाला वीडियो मैंने अंडर 30,000 रुपए तक ही रखा हुआ है, उम्मीद करता आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब मारो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।